नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम कुमार फ्रॉम बैंक इन डेटा हाउस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित है और बहुत फेमस है आजकल के मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आपने पिछले साल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस दिया हो और अगर आपने IBPS PO मेंस का एग्जाम दिया हो तो आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। तो ये है एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है अगर आप इसको एक राइट अप्रोच से करो। तब क्वेश्चन के हमेशा जो क्वेश्चन में कंटेंट होता है उसको बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी रीजनिंग में आपको फंसा सकता है, इसलिए अपने आंख और कान कान चाहे बंद रखो, आंख को और दिमाग को खोल के रखोगे एग्जाम में तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि चार तरह के सिम्बल्स दे रखे हैं और चारों सिम्बल का मतलब है। एक का मतलब, इस वाले सिम्बल का मतलब नॉर्थ है, इस वाले सिम्बल का मतलब साउथ है, इसका मतलब है ईस्ट, इसका मतलब है वेस्ट। तीन तरह के बस हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं पी से लेकर क्यू तक। स्टार्ट करते हैं पी से और ख़त्म करते हैं वो क्यू पे। तो तीनों के आपके डायरेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो हम बस वन से। तो बस वन के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ लिखा है ए इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है ए इज 14 मीटर और इस सिंबल का मतलब है ईस्ट। तो ए 14 मीटर ईस्ट में है पी के, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी और पी के 14 मीटर ईस्ट में कौन है, ए है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि बी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, अब ए के 6 मीटर नॉर्थ में कौन है, बी है, तो यहाँ लिख दिया बी। आगे देखोगे तो लिखा हुआ है कि सी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो बी के 10 मीटर वेस्ट में, तो 10 मीटर वेस्ट में कौन आ गया, सी आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ सी लिखा है, तो डी 6 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, तो डी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, तो ये आपको बनाओगे यहाँ पे सी आ जाएगा, इधर आ जाएगा डी और 6 मीटर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। डी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लिखा है क्यू इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ डी, तो डी के 4 मीटर वेस्ट में, 4 मीटर वेस्ट में क्यू है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला बिल्कुल इसके सामने बनेगा, बिकॉज ये 10 मीटर और ये 4 मीटर मिला के 14 मीटर बनेंगे और यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर ही था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसके कलर को चेंज कर लेते ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। अब देखो बस टू की बात करें तो बस टू में आप देखोगे कि एम जो है पी पे जा रहा है। तो देखो कभी भी अगर आप ये तीन तरह के बस हो, दो तरह के बस हो, आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा वहां से स्टार्ट करना चाहिए जहां से आपको लिंक मिले, जैसे कि क्यू डी बी सी ए पी, इनमें से कोई भी नाम हो वहां से स्टार्ट करो। यहाँ से इजिली आप देखोगे कि एम और पी का लिखा हुआ है रिलेशन, तो एम इज 10 मीटर साउथ ऑफ पी है, तो पी के 10 मीटर साउथ में हमें क्या बनाना है, पी के 10 मीटर साउथ में हमें बनाना है एम। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लिखा है एन इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ, एन इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एम, तो एम के वेस्ट में, एम के वेस्ट में 10 मीटर में कौन है, एन है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एन, ठीक है, एन इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एम। उसके बाद है ओ इज 6 मीटर, ओ इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, तो एन के 6 मीटर, इसका मतलब 6 मीटर अराउंड यहाँ पे होगा और यहाँ पे आ जाएगा ओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लिखा है आर इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ओ, ओ के 5 मीटर ईस्ट में आर है, तो ये 5 मीटर का दायरा ये बन गया और ये बन गया आर, ठीक है, ओ इज 5 मीटर, सॉरी आर इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ओ। उसके बाद देखोगे तो एस इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ, एस इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आर है, तो आर के 10 मीटर नॉर्थ, तो देखो ये 6 है, ये टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 4 होगा, इसको यहाँ मिला दो, ये अगर 4 होगा, ये 5 है, तो मतलब ये वाला भी 5 होगा। अब 10 मीटर की बात की गई है, देखो 4 ये, ठीक है, और 6 ये, 4 मीटर मिला के यहाँ तक पहुँचेगा, 6 मीटर मिला के यहाँ तक पहुँचेगा, इसका मतलब बिल्कुल इसके सामने, बी के सामने ही बोला जाएगा, है ना। तो आप देखो तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि एस इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ, तो एस इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ, बिल्कुल इसके सामने ऐसे बनेगा, ये देखो ये 4 पहले से था, 6 ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे एस, ठीक है, एस इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, यहाँ पे एस आ गया। अगर अगर आप आगे देखोगे तो लिखा है टी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ एस, तो एस के ईस्ट में टी है, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर लिख दिया हमने, क्योंकि 5 मीटर का डिस्टेंस हमें पता था। उसके बाद देखोगे तो लिखा है क्यू इज 6 मीटर साउथ ऑफ, सॉरी क्यू इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ टी, तो टी के 6 मीटर देखो नॉर्थ में है ना, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये होना चाहिए, तो ये हमने ऐसा क्या किया, ये बी का बना दिया, ठीक है,
तो ये जो येलो लाइन है वो बस बी को डिनोट करता है, बस टू को डिनोट करता है, और ये वाला लाइन जो है वो बस वन को डिनोट करता है, हमने लिख दिया। फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो याद रखने में कि कौन सा है। तो थर्ड बस की बात करें, थर्ड बस देखोगे तो यहाँ लिखा है जे इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पी। पी कहाँ पे था हमारा, पी ये रहा, पी के 12 मीटर वेस्ट में, पी के 12 मीटर वेस्ट में कौन है, जे है, ठीक है। जे इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पी, तो 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, तो कितना बनेगा 10 मीटर, और 12 मीटर करोगे तो क्या बनेगा, इस लाइन को लेके जाओगे तो 5 मीटर यहाँ तक आएगा, ये अगेन 4 मीटर बनेगा, और फिर 2 मीटर और बनाना पड़ेगा, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम जे। आगे देखो तो लिखा है के इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ, के इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, तो जे के 10 मीटर नॉर्थ में भी बनाना है, क्या बनाना है, के बनाना है। तो देखो 6 तो ये है और 10 बनाना है नॉर्थ में, तो आगे आएगा ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक बना देंगे हम, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 6 है और 4 ये है, तो ये आ जाएगा आपका के, ठीक है, के बना देंगे यहाँ पे, ये हमारा के। उसके बाद अगर आप देखो तो लिखा है एल इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ के, तो के 2 मीटर ईस्ट में, ठीक है, तो के 2 मीटर ईस्ट में ये 2 है, ये बिल्कुल इसके सामने बनेगा बिकॉज ये 2 मीटर था, ठीक है, तो 2 मीटर ईस्ट ऑफ एल इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ के, तो ये बन जाएगा आपका एल, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो लिखा है यू इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एल, तो एल के 5 मीटर नॉर्थ में, एल के 5 मीटर नॉर्थ में कौन है, यू है, यू इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एल, तो एल के 5 मीटर नॉर्थ में बनाओगे, क्या बनाओगे आप, यू बना दोगे। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये इसके बराबर था तो ये 6 था, तो ऑलरेडी आप देखोगे तुम्हें ये वाला लाइन, अगर रेड लाइन देखे तो यहां से हमारा जो था ये ऊपर तक 6 था, तो 4 अगर ये वाला डिस्टेंस है तो सिर्फ ये यहां से यहां पे कवर करोगे तो ये 2 होगा, बाकी का 3 ये वाला होगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है, और तो 4 मीटर कवर होगा, तो ये 6 वाले मीटर में 2 मीटर की लाइन बचेगी, और ये टोटल 5 है, तो ये 3 मीटर की लाइन बचेगी। यू के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि वी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ यू, तो यू के 10 मीटर ईस्ट में, अब 10 मीटर ईस्ट की बात करें, देखो हमें पता है ये 5 मीटर की लाइन है, तो ये भी 5 मीटर की लाइन होगी, ठीक है, तो ये वाली अगर हम ये डंडा खींच दें तो ये वाली 5 मीटर की लाइन होगी, तो ये 5 मीटर की लाइन है, ये भी 5 मीटर की लाइन है, ठीक है, तो 10 मीटर की लाइन होगी, जिसका मतलब ये बिल्कुल इसके सामने बनेगा, और यू को किससे रिलेट किया गया है, वी से, तो यहाँ पे आ जाएगा वी, वी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ यू, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 3 मीटर का। उसके बाद अगर देखो तो लिखा है क्यू इज 3 मीटर साउथ ऑफ वी, तो वी के साउथ में क्यू आ गया 3 मीटर, तो इसका मतलब ये सारा का सारा बन गया, और रेड लाइट जो था वो बस नंबर 3 को डिनोट करता था। तो आई थिंक आपको डायग्राम कैसे बनाना है वो समझ में आ गया होगा, रिलेट करके मैंने बना के दिखा दिया, तो आई थिंक इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं आप क्वेश्चंस पे जो इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, पूछा गया है इसमें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एन, तो यू और एन को ढूंढना है आपको, यू रहा यहाँ पे और एन की बात करें अगर हम, तो एन यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कितना है इसका, 6 ये है, 4 ये है 10, ठीक है, 6 ये वाला हो गया 16, और 4 ये 20, और ये 5 25, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसका जो है 25 मीटर का डिस्टेंस, देखो 6 मीटर तो ये हो गया, फिर उसके बाद 4 मीटर ये हो गया, ये 6 मीटर का था, फिर ये 4 मीटर का था, 5 मीटर का था, सबको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 25 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि एट वॉट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन एस फ्रॉम द पॉइंट बी, तो अगर देखो पॉइंट बी की बात करें, एस हमारा यहाँ पे है, और पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 ये है, 4 ये वाली वैल्यू है, और 10 ये वाली वैल्यू, मतलब 19 मीटर, और एस के ईस्ट में है बी, तो पूछा है कि पॉइंट एस फ्रॉम बी, तो बी के वेस्ट में है एस 19 मीटर, तो 19 मीटर वेस्ट, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो आपके स्क्रीन पे अब आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एस एस आर यू की बात करें तो एस ये है, आर ये है, लेकिन यू अलग है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगला देखोगे तो कह रहा है वी क्यू टी, तो वी क्यू टी को देख लो अगर,
तो हमारे पास वी ये रहा, क्यू ये रहा, टी ये रहा, मतलब ये लाइन में इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुंबई क्वेश्चन जो है आपको या तो दो नंबर में देखने को मिलते हैं या तीन नंबर में आपको एटलीस्ट देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, दो नंबर में या डेढ़ नंबर में, तीन नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है, तो अगर इसे आपको तीन क्वेश्चन में मिलता है तो 4.5 नंबर या 5 नंबर यहाँ से इजिली आपके बन जाते हैं, बट आपको डायग्राम बहुत ही ध्यान से बनाना होता है पेपर में। एक भी तरीके की आपने गलती करी तो इस तरह क्वेश्चन में आपका टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा और आप गलत मार्क करके आ जाएंगे, जिससे आपके मार्क्स नेगेटिव में जाने की बहुत आशंका होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ मैं सिखा पाया होऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपका उसका उससे अप्रोप्रिएट फीडबैक लेके आगे के लिए आपकी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगेन मैं आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है,